नेगेटिव थाट्स आर बेस्ड अपॉन आवर पास्ट इवेंट्स, जो कि बाद में हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं और मेमोरी कैन नॉट बी डिलीटेड। कुछ ऐसे वाक़ात हादसा हमारी ज़िंदगी में रूनुमा हो चुके होते हैं जिसकी बिना पे हमें बाद में इमोशनल पेन फीलिंग्स हमारी हर्ट होती हैं और सेंसेशंस को ट्रिगर करते हैं, जो कि हमारा वो परमानेंट फियर बन जाता है जो हमें फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने से रोकता रहता है, थ्रेट बन जाता है हमारे लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक विदाउट मेमोरी। आवर माइंड फीलिंग्स थाट्स इमोशंस आर ऑल कनेक्टेड विद द मेमोरी। पीपल डू नॉट वॉन्ट टू कैरी नेगेटिविटी, इट इज़ ऑब्वियस थिंग, कोई भी नेगेटिविटी को कैरी आउट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर 10 सेकेंड्स। हम अपनी 10 सेकेंड्स के लिए अपनी आँखें क्लोज करते हैं और हम ये तहिया करते हैं कि वी विल नॉट थिंक अबाउट द डॉग्स फॉर 10 सेकेंड्स। आफ्टर ओपनिंग आइज वी विल सी दैट आवर माइंड इज़ फुल ऑफ डॉग्स, जिसको भी हम रोकने की मतलब हम अपने माइंड को फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी मेमोरी है उसने वापस आना है, उसमें उन्होंने दोबारा से उसको रिफ्लेक्शन लाजमी उसने रिफ्लेक्ट करना है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अगर हम सुबह निकलते हैं और हम देखते हैं कि हमने सिर्फ वाइट कार्स ही देखनी है, हम देखते हैं कि इस शहर में इस्लामाबाद में कितनी सफ़ेद रंग की कारें हैं, तो हम जहाँ जिस तरफ भी देखेंगे हमें सिर्फ सफ़ेद कारें ही नज़र आएंगी। इससे ये साबित होता है कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा हम उसको फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमें हर तरफ। एक बात याद रखनी चाहिए कि सुपर कंप्यूटर इज़ केम आउट ऑफ दिस माइंड, तो हमें इस माइंड के फंडामेंटल्स और मैकेनिक्स को समझने की ज़रूरत है। दो चीज़ें जो है ना इसमें पॉसिबल नहीं है, ना तो इसमें डिलीशन है और ना ही डिवीजन है, जस्ट एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है। जिस तरह हमने एग्जांपल ली थी कि सपोज वी आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट द डॉग्स फॉर 10 सेकेंड्स, और जब हमने उसके बारे में सोचना बंद किया था तो वहीं पे ही हमारे माइंड में जस्ट डॉग्स ही डॉग्स भर गए थे। सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, वी कैन नॉट डिलीट मेमोरी। देखिए, फेयर है सबसे बड़ी वजह किसी भी मतलब कि आपके एटीट्यूड के पीछे, सब चीज़ों के पीछे फेयर शिफ्ट होता है। एंजाइटी में इनसेट शिफ्ट होती है आपकी नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स आपकी एंगर डेवलप करते हैं और एंगर आपका एटीट्यूड और बिहेवियर को। देखिए, अगर आप बात करें कि अगर आप कहें कि आप जहर खाएं और आप मरें ना, मतलब आप सोचें कि जहर मैं खाऊं और मरे कोई और, मतलब एंगर आप बिहेवियर आपका चेंज हो और उसका इम्पैक्ट किसी और के ऊपर नहीं बल्कि आपकी ज़ात के ऊपर होगा, क्योंकि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है और बिहेवियर ही सब सारी चीज़ों की वजूहत है। आपका बिहेवियर ठीक कर लें तो सारा कुछ ठीक हो। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। देखें, हर किसी की लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव होता है, किसी ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, किसी ने कोई माइलस्टोन अचीव करना होता है, हर किसी ने अपने मुताबिक किए होते हैं, लेकिन मसला ये है कि अपने मुताबिक करने चाहिए। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्टिव मतलब सेट किए होते हैं, उसके बाद उसकी जो एक्शंस हैं और जो इमोशनल स्ट्रेंथ्स हैं वो उनको डोमिनेट कर रही होती हैं। मतलब कैन डू इज़ अमेजिंग बट विल डू इज़ डिसअपॉइंटिंग। ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर लेते हैं तो हमारी कैपेबिलिटीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि क्या वो हमारी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है। अगर हम उसको मतलब हमने कोई चीज़ सोची और उसके रिजल्ट्स भी निकाल लिए और जो रिजल्ट्स हैं ना वो हमारी सबसे मेन वजह है हमारे बिहेवियर की चेंज की, तो इसमें जो सबसे बेहतर है कि हम रिजल्ट्स जो पहले निकाल लेते हैं ना तो वो हमारे जो है ना नेगेटिव अप्रोच को ज़्यादा सपोर्ट करता है। चेंज योर एटीट्यूड विल चेंज योर एटीट्यूड। आवर लाइव्स आर मोस्टली अफेक्टेड द वे वी थिंक थिंग्स आर, नॉट द वे दे आर। द वे वी थिंक दे आर अफेक्ट्स अस द मोस्ट। Mind is like a factory, a mental factory. There are millions of employees of working on two things. There are positive things and negative things, good and evil. So we are the supervisor of them. So we are the directors. We have to provide directions to our employees to work on negative things or positive things. So and whatever you think about all the day long, pours ingredients in your factory, and that's what builds the economic, social, ethical, and financial fabric of your life. As you think, so you become.